हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको OSPF सिंगल एरिया नेटवर्क पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये बताऊंगा। इसके लिए मैं तीन राउटर लूँगा, या आप दो राउटर पे भी कर सकते हैं। चलिए दो राउटर पे करते हैं। एक स्विच लेते हैं, इससे मैं दो सिस्टम कनेक्ट करता हूँ। सेकेंड राउटर से भी, सेकेंड स्विच से भी दो सिस्टम कनेक्ट करूँगा। स्विच ऑफ करके राउटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, देन उसके बाद राउटर को आपस में कनेक्ट करते हैं DC केबल के थ्रू। यहाँ पे पोर्ट्स लेना पड़ेगा, तो एक पोर्ट WIC1T, दूसरा सीरियल इंटरफेस दूसरे राउटर पे ले लेते हैं ऑफ करके। देन राउटर से राउटर कनेक्ट कर दिया है, अब सिस्टम को स्विच से कनेक्ट करना है। तो पहले मैं स्विच को राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, देन अब मैं सिस्टम को स्विच से कनेक्ट कर रहा हूँ। वैसे सेकेंड राउटर स्विच को भी आप PC और राउटर से कनेक्ट कर लेंगे। स्विच को मैं राउटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक नेटवर्क बन गया है। अब इसमें क्या IP एड्रेस असाइन करना है मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। पहले राउटर के सीरियल इंटरफेस पे ये IP डालूँगा, दूसरे राउटर के सीरियल इंटरफेस पे 192.168.0.2 डालूँगा, फर्स्ट राउटर के फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे 1.1.192 के रेंज में। इधर मैं IP एड्रेस असाइन करता हूँ 2.1, उसी के रेंज में PCs के IP होंगे। जैसा कि मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ, फंडामेंटल ऑफ राउटर्स में अगर आपको कनेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ राउटर्स में कैसे राउटर्स को कनेक्ट करते हैं, स्विच को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब मैं IP एड्रेस अकॉर्डिंगली असाइन करता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल सी कर सकते हैं या नो कर सकते हैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। होस्ट नेम असाइन करते हैं R1, जो IP एड्रेस मैंने मेंशन किया वो IP एड्रेस अकॉर्डिंगली असाइन करते हैं। एंड क्लॉक रेट, पहला राउटर आपका DC है इसलिए फर्स्ट राउटर पे आप क्लॉक रेट असाइन करेंगे, नो सेट करेंगे। देन एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट इथरनेट पे जाएंगे, यहाँ पर IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.0.0 सॉरी 1.1। देन IP एड्रेस के साथ साथ सबनेट मास्क असाइन करके ओके एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए नो शट कमांड चलाएंगे। फर्स्ट राउटर पे आपने IP एड्रेस के साथ साथ IP एड्रेस असाइन कर दिया है, DC पॉइंट पे आपने क्लॉक रेट भी डाल दिया है। सेकेंड राउटर पे आते हैं, होस्ट नेम कमांड R2 टाइप करते हैं, इससे राउटर का होस्ट नेम चेंज हो गया। इंटरफेस सीरियल 0x0 पे जाने के लिए इंटरफेस सीरियल 0x0 कमांड एंटर प्रेस करते हैं। IP एड्रेस टाइप करते हैं, IP एड्रेस 0.2, फर्स्ट वाले राउटर का जो IP एड्रेस है उसी की रेंज में आप डालेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, नो शट करेंगे पोर्ट को अप करने के लिए। एग्जिट टाइप करेंगे पोर्ट से बाहर जाने के लिए। इंटरफेस फास्ट 0x0 पे जाने के लिए इंटरफेस फास्ट 0x0 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट पर IP एड्रेस असाइन करने के लिए टाइप करेंगे IP एड्रेस स्पेस IP एड्रेस डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। पोर्ट को अप करने के लिए नो शट डाउन कमांड चलाएंगे, अब एग्जिट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पोर्ट अप हो चुके हैं। PCs पे IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। गेटवे 1.1 ईथरनेट का, राउटर के ईथरनेट पोर्ट का IP रहेगा गेटवे में PCs के। टू ऑलरेडी असाइन है इसलिए टू नहीं ले रहा है, 1.3 डालते हैं। गेटवे में 1.1
वन डालेंगे, ऐसे ही दूसरे राउटर के पीसी को 2.2.2.1 गेटवे रहेगा, टू डॉट थ्री गेटवे 192.168.2.2.1 रहेगा। यहाँ पर आईपी एड्रेस के साथ साथ मैंने कंप्यूटर पे भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे, ये बेसिक नेटवर्किंग हो चुकी है, ओएसपीएफ के थ्रू कैसे राउटिंग करेंगे ये बताऊँगा। तो ओएसपीएफ के लिए आप फर्स्ट राउटर पे जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट राउटर के सीएलआई को एक्सेस करते हैं। प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए आप एग्जिट टाइप करेंगे, यहाँ पर आप राउटर ओएसपीएफ, देन अगला जो कमांड आप टाइप करेंगे इसी के सिंटैक्स ओएसपीएफ, देन प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी आप 1 से 65535 तक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रोसेस आईडी 1 लेता हूँ, देन एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर आप कमांड टाइप करेंगे नेटवर्क, नेटवर्क जो खुद के नेटवर्क से कनेक्टेड राउटर्स हैं उनका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे फर्स्ट राउटर से मैं 192.168.0.0 के नेटवर्क से जुड़ा हूँ और 1.0 के नेटवर्क से, 192.168.1.0 के नेटवर्क से जुड़ा हूँ, इन्फॉर्मेशन देंगे 0.0। देन क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे, आगे वाइल्ड कार्ड मास्क देना है। यहाँ ओएसपीएफ में आप सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क देखते हैं। यहाँ पर आप टोटल बिट्स फॉर नेटवर्क इक्वल टू 255.255.255.255, देन नेट मास्क इक्वल टू 255.255.255.0। इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू घटा देंगे, जो भी वैल्यू आती है वो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा, दैट मीन्स 0.0.255। दिस इज द सिंपल मैथड टू कैलकुलेट द वाइल्ड कार्ड मास्क। तो अभी क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड मास्क देंगे, नेट, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट कमांड आपको चलानी है, नेट नेटवर्क 192.168.0.0 मैं पहले ही एग्जीक्यूट कर चुका था, 0.0.0.255 एंटर इनकम्प्लीट, देन एरिया आपको देना है, एरिया में 0 दे रहा हूँ। दूसरा आप यहाँ पर नेटवर्क चेंज कर देंगे 1। सो फर्स्ट राउटर पे आप कर चुके हैं, सेकेंड राउटर पे करते हैं, सीएलआई पे जाते हैं, प्रिविलेज ग्लोबल मोड पे जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे राउटर स्पेस ओएसपीएफ, देन प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी सेम होनी चाहिए अगर नेटवर्क सेम है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ये डिनोट करता है, प्रोसेस आईडी को सेम रखते हैं, जो वहाँ पे प्रोसेस आईडी फर्स्ट राउटर पे रखा है वही प्रोसेस आईडी सेकेंड राउटर पे रखेंगे, एंटर, देन नेटवर्क, नेटवर्क इस राउटर पे 0.0 है, देन वाइल्ड कार्ड मास्क, देन एरिया, सिंगल एरिया है इसलिए एरिया चेंज नहीं करेंगे, एरिया 0 ही रहेगा। देन अगली जो नेटवर्क है हमारा, अगला नेटवर्क है 192.168.0.2.0, देन वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर एरिया डालेंगे, एरिया 0 ही रहेगा, एंटर करेंगे। तो इस तरीके से देखा आपने कि सिंगल एरिया में एरिया हम चेंज नहीं करते हैं। जब हमारा मल्टीपल एरिया नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट सेशन में जब सीखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एरिया हम चेंज करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे दो राउटर्स के बीच में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, और सिंपल सी कमांड है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, फर्स्ट राउटर के सीएलआई पे जाते हैं, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो ओएसपीएफ है वो राउटिंग कंप्लीट हुई है या नहीं। सो आईपी रूट के थ्रू हम चेक करेंगे राउटिंग का डेटाबेस, इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ओ, ये दो नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं,
मैंने डायरेक्ट केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, पर ये जो आप थर्ड नेटवर्क देख रहे हैं 2.0, जो कि फर्स्ट राउटर पे मैं शो कर रहा हूँ ये कमांड, और ये सेकेंड राउटर के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है, और आगे लिखा हुआ है ओ, आगे आप देख सकते हैं ये ओ, ओ फॉर ओ एस पी एफ, ओ का मतलब ओ एस पी एफ वाया इसके थ्रू कनेक्टेड है। वैसे ही आप सेकेंड राउटर पे चेक कर सकते हैं, शो आई पी रूट यहाँ पर शो कर गया। सो आप देख सकते हैं कैसे मैंने ओ एस पी एफ किया है। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।